कोरोना में हुए मौत के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें एसपी की जांच पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। देसूरी जिले के सादरी थाना क्षेत्र के मांडीगढ़ गांव में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में हुए मौत के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। बार बार जांच बदलती रही और पूर्व में तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली ने इस प्रक्रम में मृतक के पिता और दो भाइयों को हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की दोबारा जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली ने की। इसमें तीनों को हत्या का आरोपी नहीं माना। अब सिविल न्यायालय सादरी ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया है। अब एएसपी की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस प्रकरण के अनुसार मांडीगढ़ निवासी चंपालाल जाट का शव 2 अप्रैल 2018 को खेत में लटका मिला था। उसकी पत्नी जतनो देवी ने दूदाराम जाट, मोहनलाल और भीमाराम भील पर रंजिश में हत्या कर शव लटकाने का संदेह जताते हुए मामला दर्ज कराया था। जांच अधिकारी और तत्कालीन बाली थानाधिकारी कैलाश दान ने इसे आत्महत्या मानते हुए एफआईआर दर्ज की। इस पर मृतक की पत्नी ने एसपी से गुहार लगाते हुए पुनः जांच की मांग की। इस पर एसपी पाली ने मामले की जांच तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली अताउर रहमान ने चश्मदीद गवाह कैलाश और काना राम के झूठे बयान लिखकर चंपालाल की हत्या कर शव लटकाने के आरोप में मृतक के पिता पैमा राम जाट, भाई चुन्नी लाल और हस्तिमल जाट को गिरफ्तार कर लिया और 12 सितंबर 2018 को तीनों को जेल भेज दिया गया। जांच से असंतुष्ट मृतक की पत्नी ने जोधपुर हाई कोर्ट में गुहार लगाई। वहीं 27 सितंबर 2018 को जोधपुर हाई कोर्ट ने जोधपुर आईजी को पुनः जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर से करवाने के आदेश दिए। इस पर मामले की जांच तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली ज्योतिश्वर शर्मा ने की। इसमें दोनों गवाहों के कोर्ट में 164 में बयान हुए। उनका तबादला होने के बाद अब अनुसंधान अधिकारी और पाली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपाल यादव ने इसे आत्महत्या ही माना और कोर्ट में आरोपियों को रिहा प्रार्थना पत्र पेश किए गए। सिविल न्यायालय सादरी ने हत्या के आरोपी पैमा राम, चुन्नी लाल और हस्तिमल को रिहा कर दिया। जांच अधिकारी तत्कालीन एएसपी बाली अताउर रहमान की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में वह उदयपुर में सीआईडी में पदस्थापित हैं। जतनो देवी का जो प्रकरण है ये सादरी न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें 14 तारीख को पुलिस के द्वारा जो एडिशनल एसपी साहब बाली को जो जांच दी गई थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके इस पूरे मामले को झूठा मानते हुए अदम वकू झूठ में एफआर श्रीमान न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सादरी के न्यायालय में पेश की, जिस पर पीड़िता की ओर से हमने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करने का अवसर श्रीमान न्यायालय से लिया और जो हमें न्यायालय द्वारा प्रदान भी किया गया। उस पूरे प्रकरण में एफआईआर का जहाँ तक कंटेंट थे, एफआईआर के हमने ये एफआईआर में कंटेंट लिए थे कि हमें पंचों द्वारा समाज से बाहर निकाल कर उसके आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने का हमारा एलिगेशन था। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में भी जो जांच की गई थी उसमें पीड़िता के ससुर और जेठ को मुलजिम मानते हुए चालान पेश किया गया था, जिससे व्यथित होकर पीड़िता की ओर से ऑनरेबल हाईकोर्ट में 482 की पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये कहा था कि री इन्वेस्टिगेशन करके इस प्रकरण का जो भी नतीजा है वो संबंधित कोर्ट में पेश करे। संबंधित कोर्ट में एडिशनल अतिरिक्त जांच करके एडिशनल एसपी साहब बाली द्वारा 14 तारीख को ये एफआईआर पेश की गई है। तो उक्त प्रकरण जो है पूरा तरह एक मैनिपुलेट किया हुआ लगता है, जहां एक और पुलिस मान रही है कि मामला हत्या का था, 302/34 में चालान पेश होता है। दूसरी ओर एक जब हम हाईकोर्ट जाते हैं री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर लेके आते हैं तो एक एफआईआर पेश होती है। तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने यही हमारी जो दलील रखी थी कि हमारा जो एलिगेशन था वो 306 का था, पुलिस मात्र 302 पे इन्वेस्टिगेशन करके जैसे तैसे मतलब जो कोर्ट का टाइम था उसको भी एक्सटेंड करके एक एफआईआर पेश करती है। तो निश्चित रूप से ये जो कार्यशैली है पुलिस की, इस पे एक लापरवाही पूर्वक ये जो रवैया है यहाँ पे दर्शाता है
और पीड़िता अभी भी न्याय के लिए भटक रही है। हमने प्रोटेस्ट पेश करने का अवसर लिया है जो श्रीमान न्यायालय द्वारा हमें बख्शा गया है। अरे मीने में हमारे के साल तो नहीं बस हफ्ते में मलमंदी मलिंदा नहीं।